हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर। आई एम योर एजुकेटर सुरेंद्र सिंह एंड टुडे आई विल टीच यू सिंटैक्स। सिंटैक्स को बच्चों हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। इसका मींस ये होता है, अगर हम किसी सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल यूज़ करते हैं। तो ये थे आपके कुछ नेम था, एक सिंपल सा कि ये होता है क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि जैसा सब सेंटेंस में आपका जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे हम वर्ब यूज़ करते हैं। यही एग्रीमेंट जो समझौता होता है उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यहाँ पर आपके कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट दिए गए हैं और सामने उनकी वर्ब यूज वर्ब दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हैं आपके और यहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब्स हैं, जैसे आई एम यू इज ही सी, तो बाज यूज करेंगे। यानी कि जैसे सब्जेक्ट इट है तो इट के साथ सिंगुलर होता है तो हमने यहाँ पर हैज यूज़ कर दिया। राम है सिंगुलर है तो हमने यहाँ बेटर यूज़ किया। सीता है राइट, तो यहाँ पर हमने वर्ब में एस या ई एस या आई एस जोड़ दिया है, तो यहाँ पर वर्ब को हमने क्या किया है सिंगुलर बना दिया है। यानी कि जो भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है वो आपकी प्लूरल फॉर्म में होती है, उसको अगर हमें सिंगुलर बनाना होता है तो उसके लिए हम एस या ई एस या आई एस जोड़ते हैं उसमें, तो उसको हम सिंगुलर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर द गर्ल तो ड्रिंक्स एस लगा दिया तो सिंगुलर बन गई आपकी। ऐसे ही आपके यहाँ पे कुछ प्लूरल सब्जेक्ट दिए गए हैं और प्लूरल आपकी वर्ब दी गई हैं, जैसे वी और इसके साथ वर्ब यूज़ करेंगे तो आर, यू तो वर्ब, दे है सुरेन एंड राम तो डू, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं इसलिए प्लूरल बन गए आपकी तो डू यूज़ कर दिया हमने। द बॉय तो यहाँ पर ड्रिंक, द गर्ल रीड राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने जो भी हमें इसमें रूल्स करने हैं उनकी तरफ। तो हम रूल स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले कुछ समझ लेते हैं कि हमें अगर किसी नाउन को प्लूरल फॉर्म में बदलना हो तो किस तरीके से बदलेंगे, और किसी वर्ब को अगर हमें सिंगुलर में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें किसी भी नाउन के पीछे अगर हम एस या ई एस या आई एस अगर जोड़ते हैं तो वहाँ पर उसको हम प्लूरल नाउन बना सकते हैं। आपकी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में अगर हम एस या ई एस या आई एस ऐड करते हैं उसमें जोड़ते हैं तो उस वर्ब को हम सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक नॉलेज इसके बारे में। आज का फर्स्ट रूल है आपका यहाँ से रूल फर्स्ट। गैस जो भी मुझे जो मेन पॉइंट मिलते हैं उनको मैंने रूल में कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे कि आपको सुविधा रहे याद करने में कि भाई हमने इस रूल को कन्वर्ट मतलब कर लिया है क्लियर। उसके बाद तो फर्स्ट रूल है आपका नीड नॉट और डेयर नॉट। गैस ये आपके होते हैं मॉडल एक्जरी वर्ब जिन्हें हम बोलते हैं नीड और डेयर। इनका यूज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। इनका जो यूज होता है वो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम किस में यूज़ करते हैं आपके प्लूरल फॉर्म में। ये एक्जुलरी वर्ब के रूप में यूज़ की जाएँ तो जैसे आपका एग्जांपल दिया गया यहाँ पे फर्स्ट है सी नीड नॉट गो देयर। तो हमने अभी मैंने क्या है इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं यानी, तो यहाँ सी नीड नॉट उसके साथ हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे गो। ये जो आपकी गो है ये इसके साथ हमने प्लूरल फॉर्म यूज़ किया है, और इसको बताया था मैंने अभी कि अगर हम वर्ब में अगर हम एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसीलिए ये आपका नीचे वाला गलत हो जाएगा और ऊपर वाला आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने एस का यूज नहीं किया। अगर हम एस यूज़ करेंगे तो ये सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको बताया है कि हम नीड नॉट और डेयर नॉट को हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। ऐसे यहाँ पर एक आपका एग्जांपल दिया गया सेकंड आपका डेयर नॉट का, ही डेयर नॉट कम हेयर, उसकी हिम्मत नहीं है आने की।
तो यहाँ हमने एस इसमें यूज़ किया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डेयर नॉट और आपका नीड नॉट, इनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, इनके साथ हमें एस का या आई एस किसी का भी यूज़ नहीं करना है। लेकिन बताया गया डेयर और नीड का यूज अगर हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो वहाँ पर हम इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज़। नेक्स्ट रूल है आपका सपोजनल सेंटेंस, अधिकतर इफ एज इफ एज तो इफ ओनली सपोज आई विश वी विश सी विश से शुरू हो तो इनकी कल्पना की जाती है, इनके साथ किसी भी नंबर और पर्सन के सब्जेक्ट का यूज़ क्यों ना हो लेकिन प्लूरल वर्ब यानी हम वर्ब का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट इसका मतलब होता है ये आपके कुछ काल्पनिक शब्द होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे इफ इफ माने यद, एज इफ ऐसा ना हो, एज तो ऐसा, इफ ओनली यद ऐसा ही, सपोज सपोज करो। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें केवल हम एक तरीके से कल्पना करते हैं, रियलिटी नहीं होती है उसमें। तो ऐसे बाकी जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस भी आप बोल सकते हो, तो उनमें हम चाहे हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल हो या सिंगुलर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनके साथ केवल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया एग्जाम्पल में इफ आई वर ए बर्ड, कास्क में एक चिड़िया होता, सब्जेक्ट भले ही हमारा यहाँ पर हमने फर्स्ट फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया है सिंगुलर है, लेकिन वर्ब हमने यहाँ पर वर यूज़ किए यानी प्लूरल फॉर्म, केवल हम वर का ही यूज यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल दिया गया आपका इफ़ ही वर माई फादर ही वुड लव मी, तो गैस यहाँ पर ही भी आपने देखा कि ये क्या है थर्ड पर्सन है यानी इसके साथ भी हमने वर यूज़ किया है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इनके साथ हम प्लूरल फॉर्म वर्ब यानी वर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बताया गया है जबकि कंडीशनल सेंटेंस में यद इफ एज इफ एज दो से शुरू हो और इनसे वास्तविकता का बोध ना हो यानी बाद आने वाले सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि इन कंडीशनल सेंटेंस यद इफ और एज इफ एज दो से शुरू तो होते हैं लेकिन इनसे क्या होता है कि इनके हमें किसी भी रियलिटी का बोध होता है, किसी वास्तविकता का बोध होता है, तो जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही हम वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा ऐसे हम वर्ब लगा देंगे वहाँ पर। जैसे यहाँ बताया गया है इफ़ यू कम हेयर आई विल टीच यू, गाइज यहाँ पर कोई कल्पना नहीं की गई, यहाँ एक वास्तविकता का बोध हो रहा है कि इफ़ यू कम अगर तुम यहाँ आओगे तो आई विल टीच यू। तो यहाँ हमने प्लूरल सब्जेक्ट है आपका यू, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब को यूज किया है। नेक्स्ट है सुरेन लुक्स एज तो ही हैज़ बीन राइटिंग, सुरेन ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो लिख रहा हो। तो गैस यहाँ पे कल्पना नहीं की गई, यहाँ एक वास्तविकता का बोध हो रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर ही है तो ही के अकॉर्डिंग हमने वर्ब यहाँ पर हैज़ को यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल है आपका ऑपरेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूक्ष्मतक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। गैस जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पर हम उनके साथ में किस वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का। जैसे एग्जांपल से थ्रू आप समझेंगे लॉन्ग लाइफ आवर फ्रेंडशिप, हमारी जो दोस्ती या मित्रता है वो एक लंबे समय तक चले। तो गैस यहाँ पर जो लाइव है ये क्या है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और मैंने बताया था कि जो भी आपकी जो मेन वर्ब होती है उनकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो किस में होती है प्लूरल फॉर्म में होती है। यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे या तुम अच्छे रहो इस तरीके से। तो यहाँ पर ब्लेस यू यूज़ किया गया है, ये आपका स्टूडेंट्स यूज़ किया गया है फर्स्ट फॉर्म, और ये फॉर्म जो होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है यानी प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें बताया गया आपका इनमें इच्छा का बोध होता है, कभी कभी मे ऑप्टेटिव सेंटेंस में दिया भी जाता है, अगर नहीं हो तो वहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो ये मे यूज़ किया जाता है, ये मॉडल वर्ब होती है और ये इनमें पाई जाती है यानी एक तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। अगर हमारा मे अगर नहीं भी दिया जाता है तो हम अंडरस्टूड कर लेते हैं यानी मान लेते हैं अपनी ओर से। नेक्स्ट रूल है आपका
यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं तो वर्ब प्लूरल यूज होगी। स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन यानी कि दो अकेले के लिए संज्ञा यूज की जाती हैं और वह एंड से जोड़ी जाती हैं आपकी और सेंटेंस में किसका काम कर रही हैं वो सब्जेक्ट का काम कर रही हैं तो उनके साथ हम प्लूरल फॉर्म यानी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बॉय एंड ए गर्ल लव ईच अदर। गैस यहाँ पर जो ए बॉय एंड ए गर्ल जो यूज़ किया गया ये यूज़ किया गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। मैंने क्या बताया अभी अगर दो सिंगुलर नाउन है बॉय और गर्ल क्या है आपके नाउन है और ये सेंटेंस में किसका काम कर रहे हैं ए बॉय और ए गर्ल सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो इनके साथ हम कैसी फॉर्म यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म यानी लव ईच अदर। लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो ये जो लव है ये आपकी प्लूरल वर्ब है क्योंकि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपकी प्लूरल वर्ब के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है सुरेंद्र एंड राम हैव डन देयर वर्क यानी कि सुरेंद्र और राम ने अपना काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर जो सुरेंद्र है और राम है ये अलग अलग दो नाउन है और लेकिन ये किसका काम करें सब्जेक्ट का तो इनके साथ हम कैसी वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब यानी पी वी मीन्स प्लूरल वर्ब और पी एस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है आपका पेयर वर्ड्स यानी शब्द युग्म। आपने ग्रामर में देखा होगा कई बार कि कुछ वर्ड जो होते हैं एक पेयर में दिया जाता है उनका जोड़ा होता है ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपके स्लो एंड स्टडी ब्रेड एंड बटर राइस एंड करी हैमर एंड स्केटल ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हॉर्स एंड कैरेज क्राउन एंड ग्लोरी राइज एंड फॉल कमिंग एंड गोइंग स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एज एंड एक्सपीरियंस एक्स एंड वैकन। वैकन जो होता है वो सुअर का मांस होता है। ऐसे हार्म एंड एक्स यानी कि ये जो हार्म होता है वो बकरे का कूले को बोलते हैं हार्म और अंडर लॉन्ग एंड शॉर्ट सम एंड सब्सटेंस वैग एंड बगेज का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनमें से एक ही वस्तु का भाव या बोध आता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके जो पेयर युग्म दिए गए हैं आपके ये पेयर युग्म एक साथ आते हैं और इनसे हमें एक ही सब्जेक्ट की बात करें या एक ही वस्तु का हमें बोध होता है इसीलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। कई बार इसमें से एरर आ जाता है कि आपके जैसे दे दिया गया जैसे यहाँ दिया गया आपका ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट फूड तो यहाँ पर इज ना दे करके वो आर दे देता है बच्चा क्या समझता है कि ब्रेड एंड बटर दोनों अलग अलग हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पेयर युग्म होते हैं और ये दोनों एक साथ ही आते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। गैस मैं इससे पहले मैंने आपकी वीडियो बनाई थी आर्टिकल की तो आपने आर्टिकल की वीडियो को लाइक भी किया है शेयर भी किया है और वॉच भी किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी काम आप इसको भी लाइक करोगे और फुल वॉच करोगे। नेक्स्ट रूल है यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या पजेसिव यानी अधिकार दिखाने वाले एडजेक्टिव होते हैं जैसे आपके माई मेरा योर्स तुम्हारा इटसे का प्रयोग हो तो इनमें सेम पर्सन यानी एक ही व्यक्ति का बोध होता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके अगर दो सिंगुलर नाउन है और एंड से आपके वो जुड़े हों और फर्स्ट जो आपका सिंगुलर नाउन है उससे पहले हम आर्टिकल यानी ए एंड द हो या फिर आपका पजेसिव यानी अधिकार दिखाने वाले माई योर आवर इस तरीके से अगर वर्ड अगर यूज़ किया जाता है तो इससे क्या है सेम यानी कि एक ही व्यक्ति का हमको बोध होता है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया आपका द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर यानी कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जो है वो वहाँ पर हैं वहाँ पर थे या था
था यहाँ पर, क्योंकि हम वर्ब वाज यूज करेंगे यहाँ, कि दुख जो कि आपका यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल नाउन है एक और आपका सेक्रेटरी भी नाउन है। और मैंने रूल में बताया कि हम आर्टिकल कोई भी आर्टिकल यूज़ करें, मान लो ए यूज़ करते हैं या एन यूज़ करते हैं या द यूज़ करते हैं, तो इससे क्या है एक ही व्यक्ति का हमें बोध हो रहा है। और इसके साथ हम कैसी वर्ब यूज़ किए यहाँ पे, वॉज। एस नेक्स्ट है आपका ए राइटर एंड फिलोसोफर हैज़ कम, यानी कि लेखक और जो सिद्धांतवादी होते हैं, जो फिलोसोफर होते हैं, हैज़ कम आ गया है। तो जो राइटर है ये आपका एक नाउन है, और जो फिलोसोफर है ये आपका एक नाउन है, और इससे पहले क्या आपका आर्टिकल क्या है। तो हम यहाँ कैसी वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब, यानी कि हमने यहाँ पर हैज़। तो स्टूडेंट इससे क्या है कि अगर आपके दो नाउन हैं और नाउन फर्स्ट नाउन के आगे अगर आपका कोई भी आर्टिकल लगा हुआ है, तो उससे क्या होता है हमें केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसी में बताया गया आपका यद एंड से जुड़े दोनों सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या पजेसिव यानी अधिकार दिखाने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो इससे दो व्यक्तियों का बोध होता है, अर्थात प्लूरल वर्ब आएगी। स्टूडेंट पिछली बार रूल में मैंने आपको बताया था उसी में कि अगर दो नाउन है और फर्स्ट नाउन के आगे अगर हम आर्टिकल यूज़ करते हैं तो उससे क्या है हमें एक ही व्यक्ति का बोध होता है, लेकिन अगर सिंगुलर नाउन हो और जो आपका जो आर्टिकल हो या पजेसिव जो अधिकार दिखाने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वह दोनों नाउन से अगर यूज़ होते हैं तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स हमें दो व्यक्तियों का बोध होता है। तो वर्ब हम कैसे यूज़ करते हैं आपकी, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सेक्रेटरी है आपका और जो प्रिंसिपल है ये क्या है आपके दो अलग अलग नाउन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर द प्रिंसिपल यहाँ भी आर्टिकल लगाया गया और आपका यहाँ भी आर्टिकल लगाया, इससे हमें दो व्यक्ति यानी कि वो जो प्रिंसिपल हैं और जो सेक्रेटरी हैं वर देयर जो वहाँ थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। ऐसे ही ए पेंटर एंड ए फिलोसोफर, यानी कि एक पेंटर है और एक फिलोसोफर है, इनके आगे हमने आर्टिकल यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमने वर्ब कैसे यूज़ किया है स्टूडेंट्स, प्लूरल वर्ब। इसका मीन्स आप समझ में बहुत आसानी से, अगर दो नाउन है और नाउन के अगर फर्स्ट नाउन के आगे अगर आर्टिकल है तो केवल हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, अगर आर्टिकल दोनों नाउन के आगे लगा हुआ है तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले यूज हो तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन का यूज हो तो इनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव होता है या बोध होता है, तो इसके साथ इनको यानी सिंगुलर ही माना जाएगा और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। स्टूडेंट यहाँ बात आई है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है या उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, यानी कि दो एडजेक्टिव हों और वो एंड से जुड़े हों और वो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले यूज हों, तो जो फर्स्ट जो एडजेक्टिव होगा उसके आगे अगर हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, कैसे आर्टिकल का, इनडेफिनेट अनिश्चित यानी ए और एन। स्टूडेंट इससे पहले मैं आर्टिकल की वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो, मैं इस वीडियो में उनकी लिंक दे दूँगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आर्टिकल में, आप वहाँ से समझ सकते हो। तो स्टूडेंट इससे क्या होगा कि इससे हमें केवल एक ही व्यक्ति का बोध होगा और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया आपका ए ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज मीविंग, यानी कि जो ए ब्लैक एंड वाइट, इससे स्टूडेंट क्या है, देखो मैंने बताया कि कॉमन नाउन कैट क्या है, बिल्ली, बिल्ली क्या है आपकी कॉमन नाउन है, यानी सभी बिल्लियों के लिए हम कॉमन नाम यूज करते हैं बिल्ली, है ना, तो ये आपका एडजेक्टिव यानी जो बिल्ली की क्वालिटी कौन बता रहा है, ये एडजेक्टिव आपका वाइट और आपका ब्लैक, यानी कैसी बिल्ली है आपकी, सफ़ेद और काली। तो और मैंने बताया कि अगर हम फर्स्ट जो एडजेक्टिव है आपका जो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है यहाँ पर, ब्लैक और वाइट, ये आपके एडजेक्टिव है और कैट आपकी नाउन है, कॉमन नाउन है आपकी, तो फर्स्ट जो एडजेक्टिव है उससे पहले हमने आर्टिकल यूज़ किया यहाँ पर ए, कैसा आर्टिकल होता है ये आपका होता है इंडेफिनेट, तो ये इससे क्या होता है हमें एक ही बात का यूज हो रहा है यानी एक ही यहाँ पर वस्तु का या एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है यहाँ से,
तो हमने वर्ब यहाँ कैसे यूज किया है, सिंगुलर, ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट वॉज मीमिंग। लेकिन बताया गया, लेकिन अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों लेकिन किसी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले यूज हों, तथा प्रत्येक एडजेक्ट से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज हो, तो इनसे दो अलग अलग वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है, तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले जो मैंने रूल कराया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि दो नाउन होते हैं उन पर वहाँ पर अगर हम फर्स्ट से अगर हम यूज़ करते हैं आर्टिकल कोई भी, तो वहाँ से मैं एक का यानी सिंगुलर का यूज़ होता है, व्यक्ति का बोध होता है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। अगर आर्टिकल दोनों नाउन से पहले यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमको प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पर इसने बताया कि अगर फर्स्ट जो अगर किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव दिए गए हों और कॉमन नाउन से पहले अगर वो यूज हों आपके, तो और जैसे अगर फर्स्ट केवल एक ही एडजेक्टिव से पहले अगर हमने इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए एन का यूज़ किया है, तो वहाँ पर हमें सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। अगर दो एडजेक्टिव हों और वे कॉमन नाउन से पहले यूज हों और दोनों के साथ में जो दोनों एडजेक्टिव दिए गए हैं, अगर उनके साथ में दोनों जगह आपके इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए या ए एन दिए गए हों, तो वहाँ पर हमें दो व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है, वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे एक ब्लैक एंड ए वाइट कैट वर मीमिंग, यहाँ हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किए, कैट आपका कॉमन नाउन है, यहाँ पर वाइट एडजेक्टिव है, ब्लैक भी आपका एडजेक्टिव है, और ए यहाँ पर इंडेफिनेट आपका आर्टिकल है। तो गाइस, आप मुझे लगता है आपको इन रूल्स में समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बेझिझक पूछिए कमेंट बॉक्स में आकर के कि सर हमें ये रूल समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपकी रूल्स को जरूर क्लियर करूँगा। आपका अगर कोई डाउट है तो मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट रूल है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले इच या एवरी का यूज हो, या बोले हम प्रत्येक सिंगुलर नाउन से पहले इच या एवरी का यूज हो, तो इसके साथ इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने कि इच पेन एंड इच पेंसिल इज रेड, गाइस प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल इज रेड। इसने बोला इच पेन एंड इच पेंसिल इज रेड, यानी सिंगुलर वर्ब यूज करनी है हमको यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने बोला कि अगर दो सिंगुलर नाउन है, यानी कि पेन क्या है सिंगुलर है यहाँ पे और पेंसिल भी आपका सिंगुलर है, और इनके साथ क्या यूज किया है, या तो उसने बोला है कि एक के साथ इस यूज हो, या फिर ईच या एवरी ईच दोनों के साथ में अगर यूज होता है तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ ईच का पेन, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, यहाँ पर ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। नेक्स्ट रूल है, यदि तीनों पर्सन, पर्सन क्या होते हैं स्टूडेंट साहब के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड से जुड़े हों और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हों, तो प्रोनाउंस के 231 के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, जहां इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। 231 का मीन्स होता है कि सेकेंड फर्स्ट जो लेते हैं हम, सेकेंड पर्सन होता है आपका यू, थर्ड पर्सन होता है ही सी इट दे, फर्स्ट पर्सन होता है आपका आई और वी। गाइस के दो रूल्स होते हैं फिलहाल कि अगर हम ये 231 का रूल हम कब फॉलो करते हैं, जब हम शिष्टाचार किसी मैनर्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या एक मैनर दिखाया गया, एक गुड मैनर्स की बात करते हैं यहाँ पर कि तुम वह और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। जो अगर गुड मैनर्स के लिए ये रूल्स फॉलो किया जाता है सीक्वेंस, वो सीक्वेंस यूज किया जाता है आपका 231 का। और अगर कोई बैड मैनर्स की बात की जाती है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम 123। जैसे हम कहते हैं ना किसी कोई अच्छा काम करते हैं तो बोलते हैं भाई तुम और मैंने ये काम अच्छा किया है, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो पहले हम क्या बोलते हैं कि मैंने गलती की, यानी कि आई यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी, यानी कि मैंने तुमने और उसने पार्टी को क्या किया ख़राब कर दिया। तो अगर कहीं बैड मैनर्स या कहीं गलती की बात की जाएगी तो वहाँ पर आप 123 का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि दो पर्सन के प्रोनाउंस
एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हों, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं। गाइस यहाँ बात की थी हमने तीनों की, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड की, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं केवल दो पर्सन, यानी कोई भी पर्सन हो आपके, या तो आपके फर्स्ट सेकंड हो या सेकंड फर्स्ट हो या थर्ड फर्स्ट हो, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया आपका यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, तो सीक्वेंस क्या है यहाँ पर हमने लिया है फर्स्ट स्टेज का, ये ये टू और थ्री का लिया है, इसके बारे में आगे बताऊंगा नेक्स्ट लाइन में कि यू एंड ही आर, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे इसलिए। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस आपका कि यू एंड आई वर प्लेइंग लूडो, मैं और तुम क्या कर रहे थे, लूडो खेलते थे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ही एंड आई वर वॉचिंग टीवी, वह और मैं क्या कर रहे थे, टीवी देखते थे। तो नोट बताया गया कि हमने ये जो सीक्वेंस यूज किया यानी टू थ्री का और टू वन का और थ्री वन का क्यों किया है गाइस स्टूडेंट्स, कि दो पर्सन के प्रोनाउन को हम टू थ्री टू वन और थ्री वन के सीक्वेंस में फॉलो करके लिखा जाता है। ये रूल्स होता है कि हम कहीं भी बात करते हैं अगर दो की, अगर आपका थर्ड और फर्स्ट है तो इस तरीके से हम टू थ्री या टू वन या थ्री वन को हम सीक्वेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल प्रोनाउन का यूज हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के अगर रूप में करते हैं तो इसके साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, यानी ईच ऑफ नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ, और उसके बाद अगर हम लेते हैं प्लूरल नाउन या हम लेते हैं प्लूरल प्रोनाउन, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के रूप में अगर ये यूज हो तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे अब यहाँ देखते हैं हम कि ईच ऑफ दीज फोर पेन इज रेड, उनमें से यानी ईच ऑफ क्या है, उनमें से दीज ये चार पेन कैसे हैं रेड हैं, तो यहाँ पर क्या हमने एस वी मीन्स हो गया यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है आइदर ऑफ दोज बॉय इज माई फ्रेंड, उनमें से जो दोस्त हैं मेरे, यहाँ पर भी हमने सिंगुलर यूज़ किया है। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश, तुम में से कोई भी इंग्लिश नहीं जानता, यानी ईच ऑफ देम वॉज ए रोवर, उनमें से ईच ऑफ देम वॉज ए रोवर, उनमें से चोर थे, चोर मतलब तुम में से कोई चोर है या चोर था, तो यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे, यानी कि ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के साथ अगर कोई भी प्लूरल नाउन आती है, यानी यहाँ देखो ईच ऑफ के बाद देम यूज़ किया गया है, यहाँ पर हमने यू यूज़ किया है, यहाँ पे दो यूज़ किया है, यहाँ पे दिस यूज़ किया है, तो गाइस ये क्या है आपके प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन है, इनके साथ क्या हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया या इज या नो या वॉज या इज इस तरीके से। तो नेक्स्ट रूल है आपका मैनी, एक गुड मैनी एक ग्रेट मैनी का यूज़ बहुत के यानी एनफ ए लॉट ऑफ के अर्थ में अनिश्चित संख्या यानी नॉट डिफाइंड, संख्या का बोध कराने के लिए होता है। इसका प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। स्टूडेंट इसका मतलब ये होगा कि अगर कहीं भी मैनी से या ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी का अगर हम यूज करते हैं किसी, यानी ये बहुत के अर्थ में होता है लेकिन क्या होता है एक अनिश्चित होता है, कोई फिक्स संख्या नहीं होती है, वह फिक्स क्वांटिटी नहीं बताता है, और इसका यूज अगर हम सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आप स्टूडेंट्स, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया आपका मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, मैंने भी आपको बताया था कि मैनी ए ग्रेट नंबर ए लार्ज नंबर, यहाँ पर अगर इसके साथ हम सब्जेक्ट यूज करते हैं तो ये क्या होता है संख्या तो बताता है बट क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है कि कितने होते, तो वहाँ पर हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो मैनी है और मैनी के साथ क्या यूज़ किया हमने आर, क्यों, क्योंकि सेंटेंस अगर पढ़ते हैं एबसेंट फ्रॉम द क्लास, अब ये नहीं बताया कि कितने बच्चे अब्सेंट हैं लेकिन क्या है प्लूरल हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे अब्सेंट हैं लेकिन कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं बताई गई है, या कि मतलब चार बच्चे अब्सेंट हैं या दो अब्सेंट हैं, तो यहाँ पर हमने क्या है प्लूरल वर्ब यूज़ किए। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया गया आपका देयर आर 5000 बॉय इन GIC कॉलेज, बताया कि 5000 बच्चे
जीआईसी कॉलेज एंड ए गुड मैनी आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन उनमें से कुछ यानी मतलब बहुत सारे बच्चे हैं उनमें से क्या है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने यहाँ ये ए गुड मैनी को यूज़ किया है, ठीक है, और इसके साथ हमने किसका यूज़ किया है, प्लूरल वर्ब का। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है आपका मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। इसके साथ अगर हम प्लूरल नाउन या हमें कहें कि मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का अगर हम यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर होता है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। या अगर हम कहें कि मैनी या ए ग्रेट मैनी या ए गुड मैनी, इसके साथ अगर हम कोई भी प्लूरल नाउन लेते हैं, या हम कहें मैनी ऑफ, यानी ऑफ को और ऐड कर दिया गया इसमें, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, और इसके साथ अगर हम कोई भी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन अगर यूज़ करते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ क्या है, हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैनी स्टूडेंट्स है पास्ट। गैस यहाँ पर जो मैनी वर्ड यूज़ किया गया है मैंने अभी रूल्स में बताया, और उसके साथ स्टूडेंट क्या आपके प्लूरल नाउन है, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब को यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया, ए गुड मैनी ऑफ, यानी ए गुड मैनी ऑफ अस, हम में से हैव गॉन टू आगरा, ठीक है। यहाँ पर अस का यूज़ किया है, ये आपकी प्लूरल प्रोनाउन यूज़ किया गया। अस क्या होता है, आपका प्रोनाउन होता है जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। ऐसे यहाँ पर मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, बहुत सारे जो लोग क्रिमिनल थे उनको अरेस्ट कर लिया गया या पकड़े गए थे। तो यहाँ पर क्रिमिनल्स क्या है, आपका प्लूरल नाउन है, और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल है देखो आपका मैनी, मैनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट इसका मीन्स हुआ कि मैनी, मैनी एन, उसके बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर यूज़ करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देते हैं, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ आपके एग्जाम्पल में बताया गया है आपका कि मैनी ए बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, यानी बहुत सारे जो बच्चे हैं उनमें से कुछ क्या है, इन कॉलेज में टाइम में जाते हैं, यानी ए बॉय क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर मैनी के बाद ए बॉय को यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये भाई। मैनी मतलब बॉस में से एक बच्चा, गोज टू कॉलेज इन टाइम मतलब कॉलेज टाइम पे जाता है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसके साथ हम कैसी वर्ब यूज़ करेंगे, फिर सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल दिया आपका मैनी एन ऑरेंज वॉज टोटन, यानी कि एन ऑरेंज, मैनी के साथ एन ऑरेंज, ए मैनी ए और मैनी एन, उसके बाद ऑरेंज है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मतलब बहुत में से एक ऑरेंज पास क्या है, रॉटन यानी ख़राब था, तो यहाँ पर भी हमने सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया है। नेक्स्ट आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नन, एनीवन का यूज़ क्या होता है, ये अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है, यानी अनसर्टेन व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए, इसे सिंगुलर माना जाता है, यानी ये जो भी आपके इंडिफिनिट जो प्रोनाउंस होते हैं, या एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नन और एनीवन, स्टूडेंट जिनको हम सिंगुलर मानते हैं, तथा इनके लिए हम सिंगुलर क्या, उनकी जो प्रोनाउंस होते हैं ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं, ना कि दे, देयर, देम, देमसेल्फ, वन और वन सेल्फ। स्टूडेंट अगर ये यूज़ किए जाते हैं तो इनके साथ जो भी आपके सिंगुलर प्रोनाउंस आएंगे वो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ वाले आएंगे, ना कि दे, देयर, देमसेल्फ वाले। एवरीबडी से लेकर के एनीवन तक का प्रयोग सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट के रूप में ही होता है तो इनके साथ हम क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। स्टूडेंट जो आपके ये इनडेफिनेट जो प्रोनाउंस होते हैं इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है हमने कि एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, प्रत्येक को अपने देश से प्यार करना चाहिए। यहाँ पर दिया गया आपका एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एयरफोर्स एग्जाम,
तो ये क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बतौर यहाँ पे यूज़ किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लव्स होगा आपका, तो एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एयरफोर्स एग्जाम, तो ये वांट्स यानी एवरीवन क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। ऐसे यहाँ पर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू, यानी एवरीबडी के साथ हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं। तो मैंने अभी बताया था कि इनके साथ अगर हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हम हिम हिज हिमसेल्फ वाली सीरीज को यूज़ करते हैं, ना कि हम देयर वाली। तो ये क्या है यहाँ पर हमने हिमसेल्फ को यूज़ किया है, एवरीबडी लव्स हिम, तो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया है इस तरीके से। इसमें बताया गया कि जबकि अगर हम क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में एवरीबडी से लेकर के नो बडी समबडी एनी वन तक के लिए अगर हम दे का यूज होता है ना कि ही का, अगर स्टूडेंट अगर इसके हम अगर कोई भी क्वेश्चन टैग यानी अगर हम कोई भी क्वेश्चन पुट ऑफ करते हैं तो वहाँ पर हम दे का प्रयोग करेंगे ना कि ही का, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने सर ने बताया था कि प्रोनाउंस में हिम हिज हिमसेल्फ वाला यूज करते हैं, तो यहाँ हम दे का यूज़ करते हैं ना कि ही का। जैसे एवरी वन कांट हेल्प यू कैन दे, मतलब हर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जैसे कि वे कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन पुट ऑफ किया है कैन दे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दे का यूज़ किया है ना कि ही का। नेक्स्ट रूल है आपका स्टूडेंट्स इंडेफिनेट प्रोनाउन एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग का यूज अगर हम अनिश्चित वस्तु के लिए किया जाता है इसे हम सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं तथा इसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन इट इट्स इट्स का यूज़ करते हैं ना कि ही हिम हिमसेल्फ दे देम देमसेल्फ वन वन वनसेल्फ का। स्टूडेंट जो इंडेफिनिट में ये आपके जो एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग वाली जो सीरीज होती है ये क्या होता है ये अनसर्टेन थिंग के लिए यूज होते हैं और इनको क्या करते हैं सिंगुलर मानते हैं और इनके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे इट इट्स इट्सेल्फ का यूज़ करते हैं ना कि ही और दे और वन सेल्फ वाली सीरीज का। यहाँ बताया गया कि एवरीथिंग से एनी तक में यानी कि एवरीथिंग समथिंग नथिंग और एनीथिंग का यूज अगर हम सेंटेंस के सब्जेक्ट बतौर यूज करते हैं तो उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया आपके एवरीथिंग लुक्स ब्यूटिफुल इट्सेल्फ यानी कि प्रत्येक चीज़ क्या है सुंदर दिखाई देती है खुद में, तो यहाँ पर हमने क्या है इसको सब्जेक्ट बतौर यूज़ किया है तो इसके साथ हमने किसका यूज़ किया है सिंगुलर वर्ब का। यहाँ पर ये आपकी सिंगुलर वर्ब है सॉरी इसके लिए, और ये क्या है आपका ये इसका प्रोनाउन है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओवन इम्पोर्टेंट यानी प्रत्येक चीज़ खुद का एक इम्पोर्टेंस रखती है, एवरीथिंग बतौर सब्जेक्ट है यहाँ तो इसके साथ हमने हैज यूज़ किया यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। स्टूडेंट इसमें नोट दिया गया कि क्वेश्चन टैग में अगर एवरीथिंग समथिंग नथिंग और एनीथिंग के लिए इट का यूज होगा ना कि दे का, ठीक है। तो इसमें अगर हम कोई भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं किसी से कि जैसे कि एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डजंट इट, तो यहाँ पर हम इट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन टैग किया ना हमने डजंट इट क्या ऐसा है यानी कि एवरीथिंग लुक्स क्या प्रत्येक चीज़ सुंदर दिखती है। तो ये आपका लास्ट रूल था इस सीरीज़ में फिलहाल स्टूडेंट, अभी बहुत सारे रूल बचे हैं आपकी इस सीरीज़ में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने ही मैंने अभी आपको यहाँ पर मैंने 16 रूल समझाए, मैंने आपको 16 रूल्स कंप्लीट कराए हैं आपके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल समझ में आए होंगे और आप मुझे सपोर्ट करोगे जिस तरीके से आपने मेरी पहली वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया है शेयर किया है कमेंट भी किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी लाइक करेंगे और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। मैं इसकी नेक्स्ट सीरीज़ आगे बनाऊंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो से अपलोड होगी इससे आगे जा करके, तो चैनल से जुड़ी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।